तो कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। दशकों बाद कांग्रेस को ऐसी जीत मिली और हर कोई जानना चाह रहा है कि कांग्रेस ने कमाल किया तो किया कैसे। इसके पीछे एक वजह लिंगायत वोटों की वापसी भी है, क्योंकि कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है एक वक्त में लिंगायत समुदाय, लेकिन फिर वो कांग्रेस से छिटक गया। अब छिटक कैसे गया, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है और इसके लिए चलना होगा 33 साल पहले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के उस वक्त कमान संभाले हुए थे और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कर्नाटक के अंदर जिसकी वजह से लिंगायत वोट उनसे नाराज हो गया। अब वो फैसला क्या था, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बात है साल 1990 की, जब लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष। उस दौरान 3 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के दावणगेरे में हिंदुओं की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें एक मुस्लिम लड़की को छेड़े जाने से विवाद पैदा हो गया। इस विवाद ने धीरे धीरे दंगों का रूप ले लिया और दोनों समुदायों के बीच खूब खून खराबा हुआ, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को हार्ट अटैक आया हुआ था तो वो रेस्ट पर चल रहे थे, इसलिए उन पर दंगों को कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा। जब राजीव गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष डैमेज कंट्रोल के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने हवाई अड्डे से ही मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को हटाने का फरमान सुना दिया, जिससे लिंगायतों में कांग्रेस के खिलाफ रोष पैदा हो गया और धीरे धीरे लिंगायत मतदाता कांग्रेस से दूर होते चले गए, जबकि लिंगायत कांग्रेस के परंपरागत वोटरों में से एक थे। राजीव गांधी के इस एक कदम के बाद नाराज लिंगायत भाजपा की तरफ चले गए, जिससे दक्षिणी राज्य में बीजेपी मजबूत हो गई। वीरेंद्र पाटिल की बात करें तो 1989 में जब कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सत्ता खो दी थी, तब वीरेंद्र पाटिल ही वो नेता थे जिन्होंने कर्नाटक में जनता दल के रामकृष्ण हेगड़े और जनता पार्टी के HD देवगौड़ा दोनों को हराकर पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। बावजूद इसके उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। 1990 के अलावा 1971 में भी पाटिल को इसी तरह से अपने पद से हटना पड़ा था। बहरहाल 33 साल बाद राहुल गांधी ने अपने पिता की उस भूल को सुधारने का काम किया और लिंगायतों को अपने पाले में लाने के लिए काफी मशक्कत की। अब नतीजा हर किसी के सामने है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी से लेकर कई लिंगायत नेताओं को पार्टी में शामिल किया और लिंगायतों की लंबे वक्त से चली आ रही मांग अलग धर्म का दर्जा दिया जाए उस पर भी हामी भरी। कांग्रेस के इन्हीं कदमों से नाराज लिंगायत समुदाय का एक बड़ा धड़ा एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गया। वैसे भी लिंगायत BS येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। उन्हें भाजपा से इतर नए राजनीतिक ताकत की तलाश थी, जिसकी तलाश में कांग्रेस एक बार फिर उन्हें रास आ गई। आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस 40 सालों बाद इतनी सीटें जीतने में कामयाब रही है। कांग्रेस की जीत में लिंगायत समुदाय का बड़ा योगदान रहा है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय 17% के करीब है और लगभग 80 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। इन 80 सीटों में से कांग्रेस ने 53 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत हासिल की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.